अस्सलाम वालेकुम, राधे के किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। बकराईद स्पेशल बनाने जा रहे हैं, मटन की निहारी। सब लोग तो जाके खाते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन रेस्टोरेंट से भी अच्छी हम लोग घर के अंदर मटन निहारी बनाएंगे, बहुत फेमस रेसिपी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 चम्मच भर के अक्खी धनिया, ये डाल देंगे। तो ये है 1 चम्मच अक्खी सौंफ, और ये है 5 से 6 हरी इलायची, और ये 2 टुकड़े दालचीनी के। तो ये है पिपली, इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें निहारी में। अगर लगभग इंजास अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कबाब चीनी इसके बदले डाल सकते हैं, ठीक है। और ये 2 बड़ी इलायची है, ये भी डाल देंगे इसमें। पत्थर फूल बोलते हैं इसको, ये भी है तो ये भी डाल देना। और ये है 1/2 चम्मच काली मिर्च भर के डालेंगे। और ये है जीरा, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें। और ये है शाही जीरा, काला जीरा जिसको बोलते हैं, ये 1/2 चम्मच डाल देंगे। 7-8 लौंग ये भी डाल देंगे। ये बादियान का फूल है, ये भी डाल देंगे इसमें। ये जावित्री है, इसको भी डाल देंगे। ये आधी जावित्री है, ये भी डाल देंगे, ठीक है। अब ये सब मसालों को हम लोग थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हल्की सी इसकी स्मेल आएंगी तो बंद कर देंगे। गैस बंद कर दी, बस इसको ठंडा होने के बाद मैं आपको पीस के बताती हूँ। और ये 1 चम्मच भर के गुलाब की पत्ती है सूखी हुई, ये भी डाल देंगे इसी में। और ये 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर डाल देंगे इसमें। तो ये मैंने पीस लियो मसाला, तो ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। तो ये 2 प्याज है जिसका मैंने बरिस्ता बना के रखी हूँ, ये इसको हम लोग डाल के पीस लेंगे मिक्सर में। हल्का से पानी डाल के इसको इसी में पीस लेंगे। तो ये हमारा बरिस्ता पीस के तैयार हो गया। अब चलते बनाने की तरफ। तो ये है 100 ग्राम ऑयल, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही जाता इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे हम लोग इसमें। और ये है अतले का गोश्त जिसको बोलते हैं, और ये मच्छी वाला भी कोई गोश्त इसको बोलते हैं। नल्ली नहारी के लिए ऐसा गोश्त ज़रूरी है लेना जैसे मच्छी टाइप दिखता, ज़्यादातर इसको अतले का भी बोलते और मच्छी का भी गोश्त बोलते। तो ये गोश्त से बहुत अच्छी नहारी बन के तैयार होती, 3 से 4 जो भी है नल्ली भी इसमें डालना, ठीक है। नल्ली नारी जिसको बोलते हैं, यही गोश्त इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये 1 किलो मटन का गोश्त ली हूँ नल्ली के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता ये डाल देंगे इसमें। और ये 1 किलो पूरा मटन इसमें डाल देंगे हम लोग इसमें। इसको 2 से 3 मिनट तक मटन का कलर चेंज होने तक हम लोग पकाएंगे, फिर उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसमें हम लोग ये डाल देंगे। और 1 चम्मच नमक है, और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये दोनों तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। और ये 1 चम्मच है तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डाल रहे इसको। जो गर्म मसाले का पाउडर हम लोग ने बनाया उसमें का मैं 1/2 से ज़्यादा डाल दूंगी। 1 चम्मच जितना मैं रख रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। अब ये पाउडर मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम लोग डालेंगे बरिस्ते का पेस्ट। अब ये सब मसालों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही मसाले की। ये पूरा हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी। इस वक्त पे अगर आपको कुकर में गलाना है तो ये सब डाल के आप लोग कुकर में भी गला सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के आप लोग स्लो पे 1 घंटे के लिए छोड़ दो तो वो भी गल जाएगा। तो मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, तो मैं इसको रख दूँगी स्लो पे एकदम 1/2-1.5 घंटे के लिए, ताकि मेरा गोश्त अच्छे से नरम हो जाए। तो मैं आपको मिलती हूँ 40 से 45 मिनट के। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही इसमें, खतरनाक ज़बरदस्त खुशबू आ रही। लेकिन ये मेरे को 1.5 घंटा नहीं लगा, 1 घंटा करीब लगा इसको, बीच बीच में मैं हिला हिला के देख रही थी। अब जाके मेरा मटन गल चुका है पूरा, अब ये पूरा अच्छी तरह से गल गया। तो इसमें मैं पानी डाल दूँ, आप लोग को जितनी ग्रेवी चाहिए आप लोग उतना पानी डालना।
इसकी ये तार बोलते हैं या ऑयल जो भी है बोलते हैं इसको, इसको हम लोग थोड़ा से कटोरे में निकाल लेंगे ताकि हम लोग को ऊपर से डालने के काम आ जाए। जितना आप स्लो रख के पकाएंगे उतनी अच्छी तार छूटेंगी इसमें। तो 4 से 5 चम्मच आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑयल नहीं खाना चाहता तो ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं, इसलिए इसका पूरा ऑयल इसमें आ जाएगा। और चाहिए तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही, बस इसमें थोड़ा रहने देंगे। 3 चम्मच गेहूं का आटा ली हूँ और इसको पानी में घोल ली हूँ। आप लोग मैदे का आटा, ज्वार का आटा, जो भी आटा है घर में वो यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ से इसको चलाएंगे, एक हाथ से हम लोग डालेंगे। अब इसको स्लो पे कम से कम 10 मिनट हम लोग छोड़ देंगे पकने के लिए। तो अभी ये 10 से 15 मिनट मैंने स्लो पे पकाई हूँ। अभी ये हो गई थोड़ी गाढ़ी। अगर चाहे तो इसमें आप लोग थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें अगर आपको प्याज का तड़का लगाना है तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें डाल देंगे। तो अभी ये हमारी एकदम रेडी हो गई नल्ली नहारी। तो इसको मैं सर्व करके आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ही लाजवाब, शानदार, मज़ेदार, लज्जतदार बनके हमारी नल्ली नहारी तैयार हो गई। तो इस बकरईद में आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और यही तरीके से जैसे मैं बताई हूँ आप लोग उसी तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना, ताकि आप लोग को भी समझ में आए इसका जायका और लज्जत कैसी है। तो ये रेसिपी को आप लोग कोई भी चावल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, जो भी है आप लोग इसको खा सकते हो। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मैं मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।